हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो इंडेक्स नंबर की हम पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। तो पहले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसके टाइप्स को कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है वो क्या जानने में इंटरेस्टेड रहता है कि उसकी कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो लास्ट ईयर कितना था और इस साल कितना है, क्या उसमें कोई चेंज आया है, मतलब क्या स्टॉक का प्राइस बढ़ा है या स्टॉक का प्राइस कम हुआ है। सिमिलरली कोई हाउसवाइफ है वो क्या जानने में इंटरेस्टेड रहेगी कि जो हाउस होल्ड आइटम है उनके प्राइस में लास्ट ईयर से कितना चेंज आया है, ठीक है। सिमिलरली कोई कंपनी का अगर मैनेजर होगा वो ये जानने में इंटरेस्टेड रहेगा कि उसकी कंपनी ने लास्ट ईयर कितनी कार सोल्ड करी कंपेयर टू दिस ईयर। तो इन सभी चीजों में, इन सभी सिचुएशन में हम क्या जानने में इंटरेस्टेड है, दो डिफरेंट टाइम पीरियड में या दो डिफरेंट सिचुएशन में या दो डिफरेंट लोकेशन पे हम क्या जानने में इंटरेस्टेड है, क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे स्टॉक के प्राइस में मैनेजिंग डायरेक्टर क्या जानने में इंटरेस्टेड है कि स्टॉक का प्राइस लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है, तो वो क्या देख रहा है वहां पे कि दो डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है हम इसको किसके थ्रू मेजर करते हैं, तो ये जो चेंजेस है इसको हम मेजर करते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू, राइट। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन बताने वाला हूं मैं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। एक ऐसा मेजर होता है जिसके थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं रिलेटिव चेंज इन अ वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल में कितना रिलेटिव चेंज हो रहा है डिफरेंट टाइम पीरियड में, या ग्रुप ऑफ वेरिएबल में क्या रिलेटिव चेंज हो रहा है डिफरेंट टाइम पीरियड में या डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में, राइट। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या मेजर करता है, रिलेटिव चेंज मेजर करता है वेरिएबल में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल में एट डिफरेंट टाइम पीरियड और डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन। नाउ जब मैं बात करूंगा कि अगर हमें सिंगल वेरिएबल से इंडेक्स नंबर निकालना है, अगर हमें इंडेक्स नंबर केवल हम सिंगल वेरिएबल से निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल इंडेक्स। बहुत सिंपल है। तो सिंपल इंडेक्स का मतलब क्या होगा, जब सिंगल वेरिएबल से हम इंडेक्स निकालेंगे वो हो जाएगा सिंपल इंडेक्स। जब हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल की हेल्प से इंडेक्स फाइंड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट इंडेक्स, राइट। उसको हम बोलेंगे कंपोजिट इंडेक्स। तो सिंपल इंडेक्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे अगर अपन ने जो हमने एग्जांपल अभी लिया था जिसमें हम क्या कर रहे थे कि एमडी जो है वो क्या जानने में इंटरेस्टेड है, स्टॉक का प्राइस कम था या ज्यादा था कंपेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो वहां पे हमारा एक ही वेरिएबल है स्टॉक का प्राइस, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल इंडेक्स हो जाएगा। कंपोजिट में क्या होगा, जब हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल लेंगे, ठीक है, तो एक हम इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसमें हम क्या करते हैं कंज्यूमर की जो बाइंग हैबिट्स है या कंज्यूमर की जो किस तरीके से वो कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो उस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपोजिट इंडेक्स का यूज करते हैं, या उस इंडेक्स को क्या बोलते हैं, हम कंपोजिट इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं कि इंडेक्स नंबर में करना क्या है हमको, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि जब अगर मैं दो डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या कर रहा हूं, प्राइस को कंपेयर कर रहा हूं या प्राइस में कितना चेंज हो रहा है कमोडिटी के वो देख रहा हूं, तो उसको बोलेंगे हम प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होगा, जब जो डिफरेंट टाइम पीरियड में है ना, दो डिफरेंट टाइम पीरियड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कमोडिटी का जो प्राइस है वो चेक कर रहे हैं कितना चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब उस इंडेक्स को क्या बोलेंगे हम, प्राइस इंडेक्स, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, दूसरी चीज, जब हम क्या करेंगे दो फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है, अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो उसका मतलब क्या होगा कि फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है दो डिफरेंट टाइम पीरियड में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वांटिटी इंडेक्स। तो पहले मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको, प्राइस इंडेक्स का एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको क्लियरली सारी चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे प्राइस इंडेक्स की, कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करो मुझे प्राइस ऑफ टीवी देके रखा है, ठीक है, प्राइस ऑफ टीवी देके रखा है और यहां पे आपको इयर्स देके रखे हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ टीवी इयर्स 2009 में आपको देके रखा है 2500, राइट, और प्राइस ऑफ टीवी इयर्स 2010 में आपको क्या देके रखा है, यहां पे प्राइस ऑफ टीवी सपोज करो 3000 देके रखा है। अब आपको क्या करना है, यहां पे इंडेक्स नंबर निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे इंडेक्स नंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस इंडेक्स बोलेंगे। तो आप कैसे फाइंड करेंगे प्राइस इंडेक्स, इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे,
मुझे प्राइस इंडेक्स निकालना है ईयर 2010 का, तो हम क्या करेंगे 2010 में जो प्राइस ऑफ टीवी था कितना है हमारे एग्जांपल में 3000 है, डिवाइड किससे करेंगे 2009 में जो प्राइस ऑफ टीवी था कितना है वो 2500 है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से। जब मैं ऐसा करूंगा 3000 को डिवाइड करूंगा 2500 से और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 120, ठीक है। तो ये 120 क्या बता रहा है, ठीक, बेसिकली हमने करा क्या है यहाँ पे, हमने फाइंड आउट करा है प्राइस इंडेक्स जिसको मैं डिनोट करूंगा P01 से, ठीक। अब ये जो प्राइस इंडेक्स है ये किसका प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि करंट ईयर क्या है यहाँ पे, तो देखिए वो सिंपल सा लॉजिक है, जिस ईयर में हम इंडेक्स नंबर निकालने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो हम किस ईयर का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं 2010 का, तो 2010 को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे करंट ईयर, राइट। और बेस ईयर क्या हो जाएगा इस केस में, जो ईयर 2009 है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस ईयर, ठीक है। ध्यान रखना P01 लिखा है तो जीरो क्या रिप्रेजेंट करेगा हमेशा बेस ईयर को, और जो वन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा करंट ईयर को, क्लियर। तो जो जीरो है वो रिप्रेजेंट करेगा बेस ईयर को, वन रिप्रेजेंट करेगा करंट ईयर को। यहां पे हम दो डिफरेंट टाइम पीरियड में प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी क्या है यहाँ पे टीवी, ठीक है, दो डिफरेंट टाइम पीरियड में हम क्या कर रहे हैं प्राइस ऑफ टीवी को कंपेयर कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ टीवी में कितना चेंज हुआ है, ऑन एन एवरेज कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो उस इंडेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब इसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आपको कोई भी करा देगा, हर हजारों वीडियो है, क्वेश्चन तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे इंडेक्स नंबर के, बट इसका इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि बेस ईयर का जो इंडेक्स है वो मानते हैं अपन 100, ठीक है। बेस ईयर का जो इंडेक्स रहता है वो कितना मानते हैं अपन, 100 मान के चलते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज करो मेरे प्राइस इंडेक्स में क्या हुआ, 100 से ज्यादा वैल्यू आ गई, मतलब जो अपन प्राइस इंडेक्स निकाल रहे करंट ईयर का और उसकी वैल्यू 100 से ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 से वैल्यू जितनी भी ज्यादा आएगी उतना परसेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा प्राइस में कंपेयर टू द बेस ईयर, राइट। तो हमारे एग्जांपल में हम कैसे समझ सकते हैं इसको, कि जो हमारा प्राइस इंडेक्स आया करंट ईयर का वो कितना आया, 120 आ गया। तो ये 120 क्या शो कर रहा है, बेस ईयर का इंडेक्स 100 है, 100 से कितना ज्यादा आ गया, 20 ज्यादा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2009 में जो प्राइस ऑफ टीवी था और 2010 में जो प्राइस ऑफ टीवी था, तो 2010 में जो प्राइस ऑफ टीवी था वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो 20% इंक्रीज हुआ, इसको अपन एक बेस लाइन के थ्रू भी शो कर सकते, ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं। सपोज करो ये बेस लाइन है और ये बेस लाइन कहाँ पे वेट कर रही है, 100 पे है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं चेंजेस शो करूं, जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं 110 120 130, और नीचे अगर अपन माइनस वैल्यू करते हैं 90 80 और 70, लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए हमारा परसेंटेज कितना है यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स 120 आया, बेस लाइन से कितना ऊपर की साइड जा रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे कहीं प्लॉट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, अब ये वैल्यू क्या हो रही है, जो हमारा बेस है उससे ऊपर जा रही है, इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टीवी, राइट। कौन से ईयर में, इन 2010, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू ईयर 2009, क्लियर। नाउ अब सपोज करो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर प्राइस ऑफ टीवी कम हो जाएगा ईयर 2010 में तो क्या होगा। तो देखो सेकंड एग्जांपल, अगर प्राइस ऑफ टीवी कम हो जाएगा, इसी में मैं लिख रहा हूं कि अगर प्राइस ऑफ टीवी सपोज करो 2009 में कितना था, 2500 था, और 2010 में सपोज करो ये कितना हो गया, 2000 हो गया। अब अगर मुझे प्राइस इंडेक्स निकालना है, मैंने निकाला P01 करंट ईयर के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 80% आएगी, ठीक है, या 80 आएगी। अब ये 100 से कितना कम आ गया, 20 कम आ गया। अब 100 से अगर ये 20 कम आ गया तो इसकी वैल्यू यहां पे कहीं प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस से हम कितने नीचे आ गए, 20% नीचे आ गए। इसका मतलब क्या होगा कि जो 20% क्या हो गया यहां पे, डिक्रीज हो गया, काय में, इन
प्राइस, ठीक है, 20% डिक्रीज हुआ इन प्राइस ऑफ टीवी इन 2010 कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू 2009। तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गया कि जब भी इंडेक्स अपना 100 के ऊपर जाएगा तो उतना परसेंट इंक्रीज होगा प्राइस, और जब भी इंडेक्स अपना 100 से नीचे जाएगा तो उतना परसेंट डिक्रीज होगा प्राइस किसी भी कमोडिटी का कंपेयर टू द बेस ईयर, राइट। ये होता है हमारा प्राइस इंडेक्स, ठीक। अब ऑन द सेम लाइन हम क्या समझेंगे कि क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, क्वांटिटी इंडेक्स समझने के लिए बहुत सिंपल से तरीके से हम समझते हैं इसको कि क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं यहां पे नेक्स्ट क्या है, यहां पे क्वांटिटी इंडेक्स। तो देखिए, क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करो कि किसी कंपनी ने क्या करा, 2008 में किसी कंपनी ने ईयर 2008 में कितनी कार सोल्ड करी, ठीक है, नंबर ऑफ कार सोल्ड। तो हम मान लेते हैं कंपनी ने 200,000 कारें बेची, ठीक है, तो 200,000 कारें बेची यहां पे 2008 में, और 2009 में उसी कंपनी ने कितनी कारें सोल्ड करी, उसने सपोज करो 2,50,000 कारें सोल्ड कर दी, 2,50,000, ठीक। अब मुझे क्या जानने, मैं क्या जानने में इंटरेस्टेड हूं कि कंपनी का जो कंपनी जो कार सोल्ड करी है वो कंपेयर टू लास्ट ईयर कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो देखिए यहां पे, अब यहां पे अपन क्या करेंगे, ये जो 2009 है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा मेरा करंट ईयर, और 2008 है इसको हम क्या बोलेंगे, बेस ईयर। याद रखना बेस ईयर का मतलब क्या होता है, जिस ईयर से हम क्या करेंगे करेंट ईयर का प्राइस कंपेयर करेंगे, रिलेवेंट ईयर का प्राइस क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, प्राइस कंपेयर नहीं कर रहे, यहां पे अपन क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या है, यहां पे कितनी कार हमने सोल्ड करी है, ठीक। तो अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो जो क्वांटिटी इंडेक्स है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, उसको डिनोट करते हैं Q01 से, और इसका मतलब क्या होगा, इसको बोलेंगे हम क्वांटिटी इंडेक्स, किसका बोलेंगे, ऑफ करंट ईयर। ध्यान रखना है सेम चीज, जीरो का मतलब क्या रहेगा, बेस ईयर, और वन का मतलब रहेगा करंट ईयर। तो ये Q01 क्या डिनोट कर रहा है, क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिनोट कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, करंट ईयर में कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी, तो करंट ईयर में कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी हम लोगों ने, 2,50,000, और बेस ईयर में कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी हमने, 2,00,000 क्वांटिटी सोल्ड करी। सेम तरीके से इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 100 से कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका आंसर कितना आएगा, यहां पे 125। अब ध्यान रखना है ये 125 है, अभी मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया था प्राइस इंडेक्स में कैसे इंटरप्रिट करना है इसको। तो क्वांटिटी इंडेक्स हमारा 2009 में कितना आ गया, 125 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेस से कितना ज्यादा आ रहा है, 25% ज्यादा आ रहा है। अब अगर ये बेस से 25% ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 2008 में जितनी कार सोल्ड हुई थी उससे 25% कार ज्यादा सोल्ड हुई है 2009 में ऑन एन एवरेज, राइट। तो ये किसके थ्रू हम निकाल रहे हैं सारी चीज, इंडेक्स नंबर के थ्रू निकाल रहे हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ है दो डिफरेंट टाइम पीरियड में वो निकाल रहे हैं। तो इस इंडेक्स को बोलेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। आप इसका भी सेम तरीके से डायग्राम बना सकते हैं क्वांटिटी इंडेक्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज के ध्यान रखना है अपने को कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडेक्स नंबर के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जो इंडेक्स नंबर होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। देखिए, जब भी हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो वहां पे अपन डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी लेंगे। जैसे अपन हाउस होल्ड आइटम की बात करें तो मिल्क आता है लीटर में, है ना, या राइस आएगा केजी में, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स रहेगी। अब मुझे एक चीज बताइए कि जो मिल्क का प्राइस रहेगा पूरे ईयर में 2009 या 2010 या कोई से भी ईयर में, एक जैसा नहीं रहता है, वो वरी करते रहता है, चेंज होते रहता है। वैसे राइस का प्राइस भी क्या होता है, वेरी करते रहता है, चेंज होते रहता है। तो हम वहां पे जो राइस का प्राइस है वो ऑन एन एवरेज लेते हैं। मिल्क का प्राइस हम कैसे लेते हैं, ऑन एन एवरेज लेते हैं, ठीक है, करेंट ईयर में भी और बेस ईयर में भी। जब हम इंडेक्स निकालेंगे तो वो इंडेक्स हमें क्या बताएगा, रिलेटिव चेंज बताएगा करेंट ईयर के और बेस ईयर के प्राइस में, ठीक है। तो इसलिए हम इंडेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज बोलते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहां पे कि इंडेक्स नंबर को अपन एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इंडेक्स नंबर हमने लिखा है 120, 80, ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किससे करा है यहां पे, 100 से करा है, प्राइस इंडेक्स को भी और क्वांटिटी इंडेक्स को भी, ठीक। तो इंडेक्स नंबर को हमेशा हम परसेंटेज के फॉर्म में क्या लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्यों करते हैं, उसका कारण भी है, क्योंकि जो भी हमारे डिफरेंट आइटम्स रहते हैं, है ना, हाउस होल्ड आइटम की बात करें या कमोडिटी की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट, इन सभी की यूनिट्स क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो हम क्या करते हैं, पूरे इंडेक्स को एक परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं, जिससे कि ये कंपैरिजन में बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो था हमारा, इस वीडियो में क्या देखा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद सिंपल और कंपोजिट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, फिर हमने देखा यहाँ पे कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है और क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है। तो ध्यान रखना है, प्राइस इंडेक्स को डिनोट करेंगे P01 से और क्वांटिटी इंडेक्स को डिनोट करेंगे Q01 से, जहां पे 0 क्या रहेगा हमारा बेस ईयर और 1 क्या रहेगा करेंट ईयर। इस एग्जांपल में बेस ईयर हमारा 2009 था और करेंट ईयर क्या था, 2010 था। क्वांटिटी इंडेक्स में भी हमारा बेस ईयर 2008 और 2009 हमने, करेंट ईयर 2009 हम लेके चले थे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।